हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 1 में, जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिनमें हमने 4 लॉज पढ़ लिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड था मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ देखा था गैल्यूसेक वॉल्यूम ऑफ गैस लो। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एवोगैड्रो लो। इनके बाद पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो फर्स्ट ऑफ एवोगैड्रो लो वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नेम हमने ऑलरेडी पहले भी सुन चुके हैं। एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको बताया था, याद है नंबर कितना नंबर होता है? 6.022 इंटू 10^23। तो वही साइंटिस्ट ने एक लो दिया है, जो लो का नेम है एवोगैड्रो लो। तो पॉइंट नंबर 1, देखो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारी चीज दी है, बट हमें 2 मार्क्स में इतना मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 1, दिस लो वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो इन 1811। सेकेंड लो है, तो लो को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ध्यान से सुनना कि देखो, मेरे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट वेसल है, 3 वेसल, तीनों का साइज सेम, तो साइज इक्वल्स टू सेम, साइज बोलो या वॉल्यूम बोलो, तीनों वेसल के वॉल्यूम सेम है, तीनों के टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे है, सेम है। तीनों वेसल में हम डिफरेंट 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 गैस डालते हैं। ये वेसल यहां से क्लोज्ड है, सेम एज हियर, यहां से भी क्लोज्ड है, यहां से भी क्लोज, थोड़ा सा ओपन किया है, यहां से हम गैस को फिल कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट वेसल में मैंने हाइड्रोजन गैस पास किया, सेकेंड वेसल में मैंने ऑक्सीजन गैस पास किया, और थर्ड वेसल में मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। क्लियर? फिर से एक बार कि मेरे पास 3 वेसल है, तीनों वेसल का साइज सेम है, यानी वॉल्यूम सेम है। मान लो 100 ml, 100 ml, 100 ml, ये वॉल्यूम की इनकी साइज है। तीनों मैंने एक ही जगह पे रखे, यानी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, 3 गैस, डिफरेंट डिफरेंट गैस तीनों में डाल रहा हूं, और मैं तीनों गैस का प्रेशर सेम रख रहा हूं। और यहां पे ये मस्ट बी इंपॉर्टेंट कि तीनों गैस हम सेम प्रेशर से फिलअप कर रहे हैं। मान लो 1 bar, 1 bar प्रेशर पे हाइड्रोजन, 1 bar प्रेशर पे ऑक्सीजन, और 1 bar प्रेशर पे CO2 गैस फिल किया। तो तीनों 3 वेसल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, तीनों 3 में मॉलिक्यूल्स जो हो गए, वो मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? सेम मॉलिक्यूल्स हो। क्लियर? बस ये सब जोड़ के लिख दो तो बन जाएगा एवोगैड्रो लो। फिर से एक बार इसको समझो कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट गैस है, डिफरेंट डिफरेंट मैंने वेसल ले लिए। अभी मैंने सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो वॉल्यूम सभी का मैंने कैसा लिखा है, सेम इक्वल, तो इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी होंगे इक्वल। देखते हैं, लो ध्यान से सुनना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, चलो यहां पे स्टॉप करते हैं। इक्वल यानी सेम, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट दी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर शुड कंटेन
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। ये लो फिफ्थ चैप्टर में रिपीटेड है, यही लो वहां पे हम दोबारा पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर शुड कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इक्वल मॉलिक्यूल्स इसमें हो गए, मान लो इसमें 500 मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें भी 500, तो इसमें भी 500 ही हो गए, सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लियर। तो ये था लो। चलो अभी हमें यहां पे ये लो, टेक्स्ट बुक में आपको जो एग्जाम्पल दिया है वाटर के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं, तो इनको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं कि एवोगेड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल का बीच का डिफरेंस भी क्लियर किया था, डिस्टिंग्विश भी किया था। तो एवोगेड्रो मेड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये ब्लैक पेन से पूरा एग्जाम्पल, यहां पे हमें वाटर की रिएक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ वाटर, उससे हम समझाएंगे। तो पहले नीचे में रिएक्शन लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इट गिव्स H2O, क्लियर। बैलेंसिंग के लिए 2 एंड 2, ये हो गया रिएक्शन। चलो याद करो लास्ट लो, गैल्यूसेक लो फॉर गैसियस वॉल्यूम। तो अगर कोई भी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, कोई भी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, तो उनकी वॉल्यूम्स को हम सिंपल नंबर से इंडिकेट करते। तो यहां पे ऐसा मैं बोल सकता हूं, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, क्लियर। ये था गैल्यूसेक का लो। ये रिएक्शन में 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन और 2 वॉल्यूम वाटर वेपर्स मिल रही है। तो यही यहां पे लिखना है। देखो, इफ वी कंसीडर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, तो कंसीडर कर ली रिएक्शन, ओके। फिर हमें यहां पे देखना है, तो वी सी दैट, हम देख सकते हैं ये चीज, वी सी दैट 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विथाउट लीविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। यहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा। देखो ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम तो टोटली कंज्यूम हो जाएगा। अगर यहां पे ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम होता तो 1 वॉल्यूम यहां पे अनरिएक्टेड रह जाता। तो ये है एग्जाम्पल। चलो इनको अब हम विथ डायग्राम समझते, फिगर में समझते। तो देखो ये 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसे। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है तो इसको मैंने डिफरेंट कर दिया, 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम यानी 2 वॉल्यूम। चलो 3 कंटेनर मैंने सेम साइज के लिए हुए हैं, बरो इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर इन विच 2 कंटेनर फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस एंड अनदर कंटेनर फिल्ड विथ ऑक्सीजन गैस। तो चलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेन से इंडिकेट कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन का कंटेनर O2, चलो ये है हाइड्रोजन H2 गैस और H2 गैस, तीनों का साइज सेम है, तो तीनों में हम लिख रहे हैं 1 वॉल्यूम, ये भी है 1 वॉल्यूम, ये भी है 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, क्लियर। चलो अभी हम
यहां पे रिएक्शन करेंगे। तो देखो पहले तो एक कंटेनर बना लेते हैं, ये जो कंटेनर में बना रहा हूं उनकी साइज ये कंटेनर से दुगनी है, ऐसा मैंने एक कंटेनर बना दिया दुगनी साइज बट ट्वाइस। अभी ध्यान से सुनना, अगर मान लो वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम चलो ले लिया हमने, टोटल थ्री वॉल्यूम हुआ ये वाली साइड, तो सामने वाटर हमें कितना मिलता है टू वॉल्यूम। चलो लिखते हैं कि वन वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, मैं एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन पूरी समझाता हूं। चलो ये सेम वॉल्यूम है, तो अगर इसमें वन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखाते तो यहां पे भी वन हाइड्रोजन, क्लियर। चलो यहां पे क्या होगा वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी यहां पे सिंथेसाइज होगा ओ एच और एच वाटर। चलो सेकेंड बार दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अभी आप देख सकते हो ध्यान से कि ये तीनों तीन वेसल का साइज सेम था, अगर तीनों तीन में एक 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 मॉलिक्यूल है तो ये वेसल का साइज ट्वाइस है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने बन गए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वन मॉलिक्यूल और ये है टू मॉलिक्यूल, क्लियर। अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है वन वॉल्यूम ऑफ एच टू गैस में फाइव हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऐसे दिए हैं, सेम यहां पे फाइव मॉलिक्यूल्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, ऑक्सीजन भी कितने हो गए फाइव ही हो गए क्योंकि तीनों तीन कंटेनर सेम साइज के हुए। हो गए कंप्लीट। अभी हम क्या करें रिएक्शन करें, तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दिया, अगर इसमें फाइव मॉलिक्यूल्स है इसमें फाइव मॉलिक्यूल्स है इसमें फाइव मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर कितना बनेगा दुगना बनेगा, साइज डबल है, तो यहां पे बनेगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। तो बस ये था एवोगैड्रो लो, इतनी चीज आप अच्छी तरह से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख लीजिए इस ओके लिख लिया, फिर आता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी भी आपको टू या थ्री मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली देखो कि डाल्टन ने 1808 में ये डाल्टन का एटॉमिक थियरी दिया था और ये फर्स्ट थियरी था रिगार्डिंग टू एटम्स। अभी देखो डाल्टन्स ने जो भी थियरी दिया था वो टोटली वन टाइप्स ऑफ एजप्शंस थे, या इसको पॉस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। तो यहां पे जितने भी उसके पॉस्टुलेट्स थे वो सारे के सारे एक बुक, जो बुक का नेम है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, उनमें दिए गए थे, उनमें लिखे थे, इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स। ये सारे पॉस्टुलेट्स हमें यहां पे समझने हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट हम समझते, पहले भी मैंने आपको जो फंडामेंटल कोर्स के लेक्चर्स थे उनमें समझाया था कि जो भी मैटर होती है वो मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाए और लास्ट में जो पार्टिकल्स बचता है जो अनडिविजिबल होता है उन्हें हम कहते हैं एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट वही है,
कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, क्लियर, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, मैटर इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी एटम्स का बना हुआ होता है, कोई भी मैटर ले लो। सेकेंड पॉइंट क्या यहां पे कह रहा है, तो सेकेंड पॉइंट समझते हैं यहां साइड में। देखो मैं तीन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहा हूं, एक ले रहा हूं हाइड्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन और एक मैं सोडियम ले रहा हूं। ये तीनों तीन मैंने यहां पे एलिमेंट्स लिए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सोडियम। अभी समझना कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट मेरे पास है और उनमें मैं देखता हूं तो ओनली मुझे वहां पे हाइड्रोजन के एटम्स ही मिलेंगे। हाइड्रोजन में मुझे ऑक्सीजन या सोडियम के एटम्स नहीं मिलेंगे। सेम हियर, ऑक्सीजन एलिमेंट ओनली कंसिस्ट ऑक्सीजन एटम्स, सेम एज हियर सोडियम कंसिस्ट ओनली सोडियम एटम्स। तो ये पॉइंट है, इसीलिए सभी का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो आपको और एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा, यूनिक प्रॉपर्टीज भी हम कह सकते हैं। और सभी के मास, जो एटॉमिक मास है वो भी आइडेंटिकल है। हमें पता है कि हाइड्रोजन तो उनका एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन तो उनका होता है 16, सोडियम तो उनका 23, यूनिफाइड मास। ये आपको अनदर एलिमेंट में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो उसमें ऑलवेज 16 यूनिफाइड मास ही रहता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओनली 16 यूनिफाइड मास कंटेन कर रहे हैं। तो देखो सेकेंड पॉइंट, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपको दिया है, उनमें सारे जो एटम्स हो गए, ऑल दी एटम्स हो गए, उस सभी एटम्स का आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा और आइडेंटिकल मास होगा, जो आपको अनदर एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा। वो आगे का पॉइंट है। देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मास और प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं, यानी कुछ चेंज हो गए उसमें। तो ये था एक सेकेंड पॉइंट, फिर से, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड मास। सेकेंड पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुआ। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, तो तीसरा पॉइंट हम समझे कि मैं यहां पे एक हाइड्रोजन ले रहा हूं और एक ऑक्सीजन ले रहा हूं। हाइड्रोजन के मैं 2 एटम ले रहा हूं, देखो ऐसे, और ऑक्सीजन का 1 ही एटम ले रहा हूं, और दोनों के बीच में मैं रिएक्शन, इसका मैंने फिक्स प्रोपोर्शन ले लिया, फिक्स रेशियो ले लिया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इनके बीच में मैंने जब रिएक्शन की तो मुझे क्या मिला, ओ एच और एच, यानी मुझे मिल गया H2O, कंपाउंड मिल गया मुझे वाटर। तो बस यही है थर्ड प्रॉपर्टीज, समझते हैं। देखो कंपाउंड, कंपाउंड ये हुआ वाटर, एक कंपाउंड, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो 2 टाइप के एलिमेंट्स लिए, यहां पे ले लिया हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंट है, और यहां पे ले लिया ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, क्लियर। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम आएगा, ऑलवेज क्या बनाएगा, वाटर। अगर मान लो, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, कि 2 हाइड्रोजन एटम आए
और दो ऑक्सीजन एटम आए, तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी कंपाउंड है, तो यहां पे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो फिक्स्ड रेशियो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। वेन एवर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये था थर्ड पॉस्टुलेट्स। फिर से एक बार, थर्ड पॉस्टुलेट्स, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट अजम्पशंस, लास्ट पॉस्टुलेट्स, ध्यान से समझना। लास्ट जो पॉस्टुलेट्स है वो क्या है वो भी मैं आपको पहले क्लियर करवा दूं। तो लास्ट पॉस्टुलेट्स जो हमने केमिकल रिएक्शंस के जो भी लॉज पढ़े उनमें जो फर्स्ट लॉ था एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर जो है वो क्रिएट भी नहीं होगी नाइदर डिस्ट्रॉयड, वही यहां पे है। ओनली वो कन्वर्जेबल ही होती है, ओनली कन्वर्ट ही होगी। यहां पे वर्ड चेंज कर दिया है, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन यानी फिर से अरेंजमेंट करना। तो एक मैं रिएक्शंस आपको यहां पे दिखाता हूं कि कोई केमिकल रिएक्शन में मैं बेस NaOH प्लस एसिड HCl ले रहा हूं, और लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ा तो बड़ा ही होगा, एसिड और बेस रिएक्ट्स टू ईच अदर, इट्स फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो यहां पे बन रहा है सॉल्ट प्लस यहां पे बन रहा है वाटर। देखो मास पहले मैं कैलकुलेट करवा रहा हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, इनका मास है 40 ग्राम। कैलकुलेट कर सकते हो, सोडियम 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कितना मिलेगा, 40 ग्राम पर मोल। चलो HCl का 1 मॉलिक्यूल, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 35.5 36.5। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच रिएक्शन कर रहे हैं। यहां पे सोडियम और ये क्लोरीन एटम रीऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, यानी फिर से अरेंजमेंट हो रही है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट NaCl, और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। क्लियर? चलिए NaCl का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 यानी 58.5, वाटर का तो आप जानते ही हो 18। अभी यहां पे एडिशन कर लो और यहां पे एडिशन कर लो, कितना मिलेगा, 6 और ये 7.5। यहां पे कर लो 5 8 8 6 1 7, देख लो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो भी मास है या जो भी मैटर है वो क्रिएट भी नहीं होगी और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी, ओनली ट्रांसफर होगी वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहां पे बन गया NaCl। अभी ये पॉइंट समझो, देखो केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। इसके एटम्स को ओनली क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएट, यानी एटम्स की बात कर रहे हैं कि एटम्स क्रिएट भी नहीं होगे और एटम्स डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगे, क्योंकि हम एटॉमिक थियरी पढ़ रहे हैं तो एटम्स की बात करनी ऑब्वियसली। तो दीज आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि यहां पे आपने एक सोडियम एटम लिया और यहां पे आपको 2 सोडियम एटम मिल गए। क्लियर? एटम्स क्रिएट भी नहीं होगे और एटम्स डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगे, ओनली जो एटम्स है वो केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। तो
तो ये फॉर पॉस्टुलेट्स आने चाहिए एग्जाम में। अगर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पूछते हैं तो ऐसे ही लिखना है। थोड़ा आपको ऊपर पैराग्राफ भी दिया है वो भी समझा दूं। एटोमियो, एटोमियो का मीनिंग होता है जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक में समझाऊं कहां पे दिया है। देखो आपको पेज नंबर 13 पे ये पैराग्राफ दिया है, बराबर यहां पे ब्रेकेट में दिया है एटोमियो। टॉमी नाम का कोई कुत्ता हो उसको बुलाता हो ऐसा लगता है। एटोमियो, एटोमियो का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिनको हम डिवाइड ना कर सके। और बस ये था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सारा यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस ये एक डेढ़ पेज बाकी बचे हैं जो आपके थियरी में नहीं आते हैं, पर दो तीन पॉइंट्स बाकी बचे हैं। एक बचा है साइंटिफिक नोटेशन, एक बचा है सिग्निफिकेंट नंबर्स, और एक वो कैलकुलेशन वाला है। वो तीनों तीन थियरीज में नहीं आते हैं, ओनली वो आपके कंसेप्ट टाइप है जो फिजिक्स में पढ़ा है वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे।